हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, या फिर ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो। हर गाड़ी का एक पर्टिकुलर आरपीएम पॉइंट होता है जिस पे कि वो बेस्ट एवरेज निकाल के आपको देती है। और भाई आप किसी भी गाड़ी से उसका बेस्ट माइलेज निकाल सकते हैं अगर आप उनमें कुछ चीज़ फॉलो करें। अब ये सिंपल टिप्स जो होती है ना, ये आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी चलाते हैं। अगर आप पहले से गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप नए नए ड्राइवर हैं, मतलब आप बिगिनर हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो भी आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपकी गाड़ी, चाहे वो पेट्रोल है या डीजल है, वो मैक्सिमम माइलेज आपको निकाल के देगी। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो आपको करनी है जब भी आप गाड़ी चलाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं जो कि है भाई एक्सेलरेशन। अब देखिए गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए गाड़ी चलाने से पहले भाई एक्सेलरेशन ऐसी चीज है ना जिसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि आरपीएम जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं कि आपकी गाड़ी जो है फ्यूल इकोनॉमी कितना आपको लौटाएगी। अब देखिए हम क्या करते हैं गलती कि जब गाड़ी चलाना हम सीखते हैं ना, तो आरपीएम जो है हमारे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। एक चीज आप जरूर से ध्यान रखिए, जब भी आपकी गाड़ी के आरपीएम जो है फ्लक्चुएट करेंगे ना, तो आपको अच्छा एवरेज निकल के नहीं देगा। अब आरपीएम जो है फ्लक्चुएट कब करते हैं, देखिए आरपीएम फ्लक्चुएट तब करेंगे जब हम गाड़ी को सडनली एक्सेलरेट करेंगे या फिर हम उसे डीएक्सेलरेट करेंगे। अब ये चीज़ें कब होती हैं, देखिए जब हम गाड़ी हाईवे पे चला रहे हैं या नॉर्मल सिटी में चला रहे हैं, तो सिटी में तो कोई गाड़ी एवरेज आपको अच्छा निकाल के नहीं देगी, क्योंकि वो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, तो आप एक कांस्टेंट स्पीड में नहीं चल पाते हैं। बात करें हाईवे की, उसमें भी हम क्या होता है, अगर हमारी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं है तो हमारी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। अब जितनी ज़्यादा ये स्पीड फ्लक्चुएट करेगी, मतलब जितना ज़्यादा आरपीएम वेरी करेंगे ना, उतना कम आपकी गाड़ी जो है एवरेज निकाल के देगी। अब कुछ लोगों की आदत क्या होती है भाई, वो एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं, गाड़ी स्पीड पकड़ती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो भाई गाड़ी को स्लो कर देते हैं, मतलब एक्सेलरेटर को नहीं प्रेस करते हैं, तो गाड़ी उनकी एक कांस्टेंट स्पीड में चलने लग जाती है। फिर वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर एक्सेलरेट करते हैं या फिर अपने ब्रेक लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो गाड़ी का स्मूथ मोशन होता है ना, जो लीनियरली स्पीड बिल्ड होनी चाहिए वो नहीं होती है, और उसके कारण जो आपकी गाड़ी है फ्यूल कंज्यूम ज़्यादा करती है। इसीलिए भाई आपने देखा होगा जिस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल होता है और वो क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करके चलते ना, तो वो गाड़ी जो है बेस्ट एवरेज निकाल के देती है। इसीलिए क्योंकि उसमें भैया हम इंटरप्ट नहीं करते हैं उसके एक्सेलरेशन को। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, सडन एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन को अवॉइड करना है, स्मूथली गाड़ी को पिक करिए, ना ज़्यादा प्रेस करिए अपने जो एक्सेलरेटर पैडल को है, जिससे कि आपकी गाड़ी जो है मैक्सिमम एवरेज निकाल के देगी। अब दूसरी चीज़ जो आपको करनी है ना, कि आप कोस्टिंग का यूज़ करिए जब भी रिक्वायर्ड हो। अब कोस्टिंग जिन लोगों को नहीं पता ना, उसमें होता है क्या है, हमारी गाड़ी जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी को ना अपने जो मोशन है उसमें कन्वर्ट करती है, जिससे कि भाई हमारा जो गाड़ी का है फ्यूल बहुत मिनिमम कंज्यूम होता है। अब इसमें होता क्या है, गाड़ी का जो मोमेंटम है ना वही गाड़ी को आगे की तरफ धकेलता है, जिसके कारण भाई गाड़ी को हमें रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर ये जब भी आप कोस्टिंग करें तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी सराउंडिंग को ज़रूर से चेक कर लें, ऐसा ना हो अगल बगल कोई गाड़ी हो या सामने कोई गाड़ी ब्रेक ले और फिर आप उससे अवेयर ना हो, और ऐसे में एक्सीडेंट हो सकता है। अब कोस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको गाड़ी में न्यूट्रल लगा देना है जिससे गाड़ी फ्रीली मूव करे, ऐसा नहीं करना है, इसमें न्यूट्रल नहीं लगाना है। बस आपको करना क्या है, अपने पैर को जो है एक्सेलरेटर पैडल से हटा देना है। अब इसको आप देखिए कब कब फॉलो कर सकते हैं। सपोज आप स्टॉप गो ट्रैफिक पे हैं, आगे आपको दिख रहा है कि भाई ट्रैफिक लाइट जो है रेड होने वाली है, तो कुछ मीटर पहले से आप अपने एक्सेलरेटर पैडल को छोड़ दीजिए, गाड़ी को फ्रीली मूव करने दीजिए ताकि गाड़ी जो है स्मूथली जाके और कुछ टाइम बाद आप उस पर ब्रेक लेके गाड़ी को रोक सकें। ऐसा ना हो आप बिल्कुल जब तक गाड़ी रोकनी है तब तक आप एक्सेलरेट किए जा रहे हैं और सडनली आपने ब्रेक्स लगा दिए, इस कारण क्या होगा, फ्यूल कंज्यूम करती रहेगी गाड़ी और एवरेज ड्रॉप होगा। दूसरा केस, आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपने कांस्टेंट स्पीड पकड़ रखी है और थोड़ा सा आपको दिखता है कि गाड़ी जो है डाउनहिल की तरफ जा रही है, तो वहां पर आप अपने रेस को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं जिससे गाड़ी अपने नेचुरल मोशन से थोड़ा सा मूव करने लग जाए, तो उस केस में भी आप कोस्टिंग का यूज कर सकते हैं। तो कोस्टिंग जब भी रिक्वायर्ड है आप उसको यूज करिए, जिससे कि आपकी गाड़ी जो है अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आपको निकाल के दे। तीसरी चीज जो आप करेंगे वो है कि भाई गाड़ी को हमेशा जो है लाइट कैरी करिए और भाई ड्रैग जो है उसको मिनिमम रखिए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए गाड़ी जब भी हम चलाते हैं ना, गाड़ी में बहुत सारी अनवांटेड चीज
चीज़ रहती हैं जो कि भाई रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, फिर भी हम उन्हें अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। अब अनवांटेड चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गाड़ी से स्पेयर व्हील को ही निकाल के फेंक दें या फिर अपने जो टूल्स हैं उनको हटा दें, ऐसा नहीं है। देखिए गाड़ी में कई बार क्या होता है, हम कभी कोई ट्रिप करते हैं तो कुछ सामान जो है हमारे जो बूट में है वहीं रखा रह जाता है। अब बूट में क्या क्या सामान है जो आपका होना चाहिए, एक तो आपका स्पेयर व्हील, आपके जो टूल्स हैं जो भाई आपको जब भी आप जैक लगाएंगे तब आपके काम आएंगे, और तीसरी चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक अपना जो है कवर रख सकते हैं गाड़ी का इमरजेंसी केस में। उसके अलावा अगर आप रेगुलर आपकी गाड़ी चल रही है, आप घर वापस आ रहे हैं, तो भाई हैवी सामान जो है जैसे कोई आपका अगर लगेज है वो पीछे ही बूट में पड़ा है तो उसको रिमूव कर दीजिए। याद रखिए जितना ज़्यादा वेट होगा ना गाड़ी में, गाड़ी के इंजन को उतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी उसको ओवरकम करने के लिए, उसको मूव करने के लिए। तो कोशिश करें अपनी गाड़ी में मिनिमम वेट रखिए, जो भी एडिशनल वेट है ना उसको हटा दीजिए, जो रिक्वायर्ड नहीं है उन चीज़ों को हटा दीजिए अपनी गाड़ी से। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है ना, वो होता है ड्रैग। अब ड्रैग क्या होता है, देखिए गाड़ी को जो अपोजिट फोर्स लगता है ना वो गाड़ी के मोशन को जो है रेजिस्ट करता है, उसको हम ड्रैग बोलते हैं। अब ड्रैग जो है भाई, एक तो जो गाड़ी में नॉर्मली जो हमारा फोर्स लगता है जो गाड़ी को अपोज करता है वो तो हर गाड़ी में नेचुरल होता है, उसको आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। एक होता है जो भाई मोमेंटरी ड्रैग होता है, जिसको भाई हम बोलते हैं जो जब हम गाड़ी जिस कंडीशन में चला रहे हैं उसमें डेवलप होता है। अब देखिए कुछ लोगों का मिथ होता है कि जब वो गाड़ी एसी में चलाते हैं हाईवे में स्पेशली, तो भाई गाड़ी जो है एवरेज कम देती है, उसके बजाय वो क्या करते हैं बीच बीच में अपने एसी को बंद करते हैं और विंडोज़ को रोल डाउन कर देते हैं। अब ये चीज़ जो है बहुत गलत प्रैक्टिस है, इसमें होता क्या है गाड़ी जो है ज़रूरत से ज़्यादा तेल कंज्यूम करती है, तो उससे अच्छा ये है कि आप एसी को चलाएं। अब ये ऐसा होता क्यों है देखिए, क्योंकि क्या होता है जब हम विंडोज़ को रोल डाउन करते हैं हाई स्पीड में तो एक ड्रैग सा प्रोड्यूस होता है, जो एयर होती है ना ये गाड़ी के अंदर घुस के एक ड्रैग प्रोड्यूस करती है, जिससे गाड़ी को एक अपोजिट फोर्स सा एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जिसके कारण जो है गाड़ी की स्पीड जो है इफेक्ट होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए हाई स्पीड पर जब आप चल रहे हैं तो आप अपने एसी का यूज़ करिए, आप मिनिमम स्पीड पर चलाइए, आप एसी को है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर चलाइए, विंडोज़ को अपनी कवर रखिए जिससे कि ड्रैग मिनिमम होगा, तो उससे आपकी गाड़ी जो है फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली अच्छी निकाल के देगी। आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार अच्छी एफिशिएंसी निकाली है पहाड़ी रस्तों पर भी डाउनहिल आते हुए, या फिर आप बोल सकते हैं हाईवे में जब हमने लंबी जर्नी करी है इस तरीके से। तो अपनी विंडोज़ को रोल डाउन करना भूल जाइए। अगली चीज़ जो आपको करनी है ना वो है कि गियर शिफ्टिंग। देखिए आपको जो गियर शिफ्ट है ना वो बहुत ही प्रिसाइजली करने हैं, प्रिसाइजली से मेरा मतलब ये है कि सही समय पे सही गियर लगाना है, वो भी सही आरपीएम पे। अब देखिए गाड़ी जो है जब आप सही गियर पे चलेंगे ना तो आपको अच्छा एवरेज डेफिनेटली निकाल के देगी, क्योंकि हर गियर जो है स्पेसिफिक स्पीड स्पेसिफिक आरपीएम के लिए बना है। और एज अ बिगनर अगर आप ये गलती करते हैं ना कि आप सही गियर पे नहीं चल रहे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जब आगे चल के आप गाड़ी रेगुलर चलाएंगे। क्योंकि होता क्या है, कई लोगों की आदत होती है वो भाई लेट शिफ्ट करते हैं, लेट शिफ्ट मतलब गाड़ी के रेव करते रहते हैं और उसके बाद जो है लेट शिफ्ट करते हैं गियर्स को। दूसरी जो गंदी आदत है वो ये है कि भाई गलत गियर में चलना। अब भाई हमें रिक्वायर्ड है कि हमें सेकेंड गियर में चलना है पर हम जो है फर्स्ट पे ही चले जा रहे हैं, या फिर हमारी गाड़ी थर्ड गियर मांग रही है और उसके अलावा हमने सेकेंड गियर में ही चले जा रहे हैं, तो ये गलत प्रैक्टिस है, ये आपको फॉलो नहीं करनी है। दूसरा केस जो आपको नहीं करना है वो है कि भाई डाउन शिफ्ट भी ज़्यादा नहीं करने हैं आपको अननेसेसरली। आप हाईवे पे चल रहे हैं अननेसेसरली हल्की सी स्पीड हल्की हुई और आपने गियर डाउन कर दिए, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आप ऑप्टिमम स्पीड पे चलिए, जिस स्पीड में जिस गियर की रिक्वायरमेंट है उसको अप्लाई कर रही है, जिससे कि आपको ये दिक्कत नहीं आएगी और आपकी गाड़ी जो है मैक्सिमम फ्यूल आपको निकाल के देगी। एक और चीज़ आपको ये करनी है कि भाई जब भी आपकी गाड़ी आइडल पे खड़ी रहेगी ना तो गाड़ी को जो है आपको शट डाउन कर देना है, गाड़ी को जो है यूज़ नहीं करना है। मतलब गाड़ी का ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी खड़ी है और उसमें आप मतलब गाड़ी ऑन करके बैठे हैं। स्पेशली कई लोग क्या होता है एसी चला के बैठते हैं गाड़ी में, मतलब वो गाड़ी बंद भी कर सकते हैं पर फिर भी वो एसी का यूज़ करते हैं, जिससे उनकी फ्यूल एफिशिएंसी गिरती है। और आपको एक मज़े की बताता हूँ, जब आपकी गाड़ी जो है खड़ी रहती है और वो स्टार्ट रहती है ना तो उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो जीरो होती है, मतलब गाड़ी कोई काम नहीं कर रही होती है, बस उसका इंजन जो है तेल फुकरा होता है। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है जब भी आप आइडल पे खड़े हों, चाहे वो ट्रैफिक लाइट हो और या फिर आप कहीं पर कोने में रोड के साइड में खड़े हैं, तो आपको अपनी गाड़ी को शट डाउन कर देना है। ज़्यादा गर्मी है तो भाई विंडोज़ को थोड़ा थोड़ा रोल डाउन कर दीजिए, जिससे थोड़ी देर बाद गाड़ी का टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी गाड़ी को आइडल पे ज़्यादा देर नहीं चलाना है, वरना आप अननेसेसरली फ्यूल ही बर्न करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है लास्ट में कि भाई प्रॉपर मेंटेनेंस आपको रखनी है गाड़ी की, जिससे आपकी गाड़ी जो है अपनी जो बेस्ट माइलेज फिगर्स है ना वो आपको लौटा के दे। अब प्रॉपर
मेंटेनेंस से मेरा मतलब ये है, जितने भी गाड़ी के अंदर फिल्टर्स ऑयल्स वगैरह है इनको आप चेक करिए टाइम टू टाइम कि कहीं किसी में रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है या कोई फिल्टर चोक तो नहीं हो गया है जिससे कि भाई एयर का इनटेक अफेक्ट हो रहा है और गाड़ी जो है अच्छे से कंबशन प्रोसेस नहीं कर पा रही है, ज़रूरत से ज़्यादा तेल जो है बर्न कर रही है। अब ये सारी मेंटेनेंस टिप्स आपको कैसे करनी है, चैनल पर मैं पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप चेक कर लीजिए वो पॉइंट्स कैसे आप घर पर ही इनको चेक कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। भाई आपको मेंटेनेंस में टायर की भी देख रेख करनी है कि टायर में भाई जो प्रेशर है वो ऑप्टिमम है या नहीं है और प्रेशर कितना होना चाहिए, भाई वो आपके ड्राइवर साइड डोर में इंफॉर्मेशन दी जाती है, नहीं मिल रही है तो भाई यूज़र मैनुअल में या आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कितना प्रेशर होना चाहिए गाड़ी के टायर्स में जब गाड़ी में वेट है और जब गाड़ी में ज़्यादा वेट नहीं है। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिए और हफ्ते या 15 दिन में आप अपनी गाड़ी के टायर्स की हवा ज़रूर से चेक करवाएं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गाड़ी में जब भी आप टायर का प्रेशर चेक करवाते हैं ना तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि कुछ कुछ टाइम बाद प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है या आप हाईवे जर्नीज करते हैं तो प्रेशर बढ़ भी सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, प्रेशर जो है रेगुलरली चेक कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है जिससे आपकी गाड़ी मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के देगी। कुछ एक दो चीज़ें और बता देता हूँ जो आपको चेक करनी है कि भाई जब भी आप अपनी गाड़ी की रिफ्यूलिंग कराते हैं ना तो अच्छे पेट्रोल पंप से कराएं जहाँ पर कि भाई मिक्सिंग होने के चांसेस कम है और अच्छे ग्रेड का ऑयल डलवाएंगे ना। अच्छे ग्रेड से मतलब मेरा ये नहीं है कि भाई आप जाके भाई प्रीमियम ऑयल डलवा लीजिए या एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवा लीजिए, वो नॉर्मल कार के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप भाई नॉर्मल ऑयल डलवाइए पर अच्छे पेट्रोल पंप से डलवाइए जहाँ मिक्सिंग की शिकायत नहीं आती है जिससे आपकी गाड़ी जो है फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के आपको देगी। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं चाहे वो छोटी है चाहे वो लंबी है तो उसको पहले से प्लान करके चलिए ताकि आपको जो है रास्ते में कम से कम बार रुकना पड़े। अब देखिए प्लानिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जब भी आप ट्रिप पे निकल रहे हैं ना, सपोज आपके पास दो रस्ते हैं अपने पॉइंट डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो उन दो रस्तों में अगर एक रास्ता लंबा है और एक छोटा है तो हमेशा ध्यान रखिए लंबा रास्ता अगर वहाँ पे कम ट्रैफिक है ज़्यादा आपको फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के देगा बजाय के छोटा रास्ता जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है। तो ट्रैफिक को हमेशा अवॉइड करिए, ऐसा रास्ता सेलेक्ट करिए जहाँ पर आपको स्पीड गेन कर सके, कांस्टेंट स्पीड में चल सके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो ये थी सारी वो टिप्स जो आपको फॉलो करनी है ताकि आपकी गाड़ी जो है अपना बेस्ट माइलेज आपको निकाल के दे और आप इनको ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको एक अच्छा एवरेज निकल के देगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।